इस वक्त की बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में अमृतपाल सिंह रुका था और जिसके बाद वहां एसडीएम के रीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि वारिस पंजाब डे का चीफ और खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह को छठे दिन भी पंजाब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस सूत्रों की माने तो वह पंजाब से भाग गया है। पुलिस को उसके उत्तराखंड में होने का शक है। पंजाब से भागकर वह हरियाणा गया था। वह कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद में 19 और 20 मार्च को रुका था। यहां वह जिस महिला के घर रुका था, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस पता करने में जुटी है कि क्या महिला को अमृतपाल जानता था या महिला के घर वह जबरदस्ती घुसा था। वहीं पुलिस को महाराष्ट्र के नांदेड़ में अमृतपाल के छिपे होने का भी इनपुट मिले हैं। पंजाब पुलिस की टीमें वहां रेड करने के लिए रवाना हो गई हैं। पंजाब के पड़ोसी राज्य के अलावा उत्तराखंड में भी अमृतपाल के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुरुघरों की भी जांच जारी है। अमृतपाल के साथ ही तजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा को लुधियाना में गिरफ्तार कर लिया गया है। वह अमृतपाल का गनर था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को जांच के दौरान पता चला है कि अमृतपाल को 158 विदेशी खातों से फंडिंग की जा रही थी। इनमें से 28 खातों से 5 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी गई थी। इन खातों का संबंध पंजाब के माझा और मालवा से है। अमृतसर, तरन तारण, बटाला, गुरदासपुर, जालंधर, नवाशहर, कपूरथला और फगवाड़ा के खातों का संबंध अमृतपाल से मिला है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर थी कि कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भी अमृतपाल सिंह रुका था। जबकि अमृतपाल सिंह की एक तस्वीर बुधवार को सामने आई थी जिसमें वह शाहकोट की गली में नजर आया था। पुलिस ज्यादा दूर नहीं थी। यह तब का वीडियो है जब शाहकोट में पुलिस अमृतपाल का पीछा कर रही थी। पुलिस ने 2 गाड़ियां जब्त की थी और 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इससे थोड़ी ही दूरी पर अमृतपाल मर्सिडीज से उतरकर गली में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लगातार पुलिस ढूंढ रही है और अभी तक अमृतपाल सिंह को नहीं पकड़ पाए हैं। हालांकि अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमृतपाल सिंह कभी बाइक पर भागता हुआ दिखाई देता है या कभी किसी जुगाड़ पर बैठा हुआ नजर आता है। अमृतपाल सिंह ने अभी अपना वेशभूषा भी बदल ली है जिसके बाद पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है।